8वीं की टीसी थे, हम भर्ती हुए थे। अच्छा। और उस टाइम पे इन्होंने नहीं देखी थी वो टीसी, क्योंकि 8वीं की टीसी है। क्या बैज नहीं देखा था कहीं इसका, अलवर का लाइसेंस है? आज जो है का दिल्ली का मांग रहे हैं, उस दिन कहाँ गए थे जब भर्ती करे थे? तो मेरे तेरी हराम की कमाई खाने से मेरे घर का कुआ चल रहा है। मैंने व्यक्तिगत आपको बोला, तूने कंपनी के ऊपर बोला ना, धमकी दी जा रही है दिल्ली पुलिस की, किस तरह से धमकी दी जा रही है कोर्ट की। ये तो वही है कि उल्टा जोर कोतवाल को डांटे, वही वाली कहावत चल रही है कि पैसे भी इनके काट लो, दबा भी इनको लो, और अगर दादा बोले तो ट्रांसफर कर दो और उसको इतनी दूर भेज दो ताकि वो खुद ही नौकरी छोड़ के चला जाए। एक चीज और सत्यापन हुई है जो कि लिखित में नहीं देने को कह रहे हैं कि आपकी जो कटौती हुई है बैच की, क्योंकि बैच के पैसे लिखित में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कह रहे हैं कि हमने अथॉरिटी में रिश्वत दी है जो चला रहे हैं। बस का स्टेयरिंग नहीं कट रहा है, ड्राइवर कैसे हिल रहा है? ये बसें रोड पे चलेंगी तो हादसा नहीं करेंगी? आप देखिए इन दिल्ली पुलिस के साहब की शक्ल, ये वो दिल्ली पुलिस है जिन्होंने NCR समाचार को हकीकत दिखाने से रोका। अपना कैमरा ना चला सके मगर बिना किसी डर के NCR समाचार के रिपोर्टर ने पूरी कवरेज की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NCR समाचार। जैसे कि आज के टाइम में दिल्ली में और राज्यों में इलेक्शन के लिए सारे लोग कैंपिंग कर रहे हैं, सारी पार्टीज़ कैंपिंग कर रही हैं। जो दिल्ली में इस टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ पर ड्राइवरों के साथ अननेसेसरी बहुत गलत हो रहा है, उनके पैसे कट रहे हैं और जो बोलता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा कितना सारा डिपो बंद है, सारे स्टाफ यहाँ पर हड़ताल पर खड़े हुए हैं। उनकी डिमांड है कि उनकी शर्तें और उनकी मांगें पूरी की जाएँ जो उनकी जायज़ हैं। जैसे कि आप, मैं किसी ड्राइवर से बात करता हूँ, बोलिए सर। आपका नाम? अमित डेढ़ा। अमित डेढ़ा। डेढ़ा, हाँ जी। जैसे कि सर सवारी पूरी होगी तो स्टॉप पे गाड़ी रोकेंगे क्या हम? फिर सवारी गाड़ी देती है, अंदर वाली देती है, बाहर वाली देती है, और सवारी नहीं उतरी साकेत लोग तो फिर हम गाड़ी थोड़ी रोकेंगे और ये पैसे काट देते हैं। और DM बोलता है किस चीज़ के पैसे काटते हैं आपके? नुका जी, आपने बस नहीं रोकी स्टैंड पर, गाड़ी है तो उनको पता कैसे चलता है कि आप बस नहीं रोक रहे? GPS बोलता है ना वो। लेकिन सवारी ये कहती है कि ड्राइवर बस नहीं रोक रहा, सवारी स्टैंड पे खड़ी रहती है, कई जगह पे ये रिपोर्ट आ रही है, कई जगह न्यूज चैनल हम लोग कवरेज। बात मानता हूँ सर जी, जैसे कि सवारी पूरी हो गई है तो फिर 40 सवारी पूरी होगी तो फिर हम क्यों रोकेंगे फिर स्टैंड पे? तो ये चीज़ आप बोलते नहीं कि मेरे पास सवारी पूरी है तो मैं क्यों रोकूंगा गाड़ी? हाँ बोलते हैं सर। किसको बोल रहे हम? ये पैसा काट लेते हैं, वो बोलते हैं DM को हम पैसा नहीं काटते, कंडक्टर वाले। तो आपके पास कुछ चीज़ देते हैं वो के आपको? कैमरे चल रहे हैं गाड़ी में, देख लो उसमें। चलिए धन्यवाद, ठीक है। और आप दूसरी बात, लॉकडाउन का पैसा कंडक्टर का आ गया, ड्राइवर का क्यों नहीं आया आज तक किसी ड्राइवर का? तो आप लोगों ने जो नौकरी करी थी लॉकडाउन में उसका पैसा आपको नहीं मिला है? नहीं मिला। तो आपका जो कंडक्टर का और आपका डिपार्टमेंट एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है तो फिर उसमें वो तो उनका डिपार्टमेंट दे रहा, आपका डिपार्टमेंट नहीं। दिल्ली सरकार ने बोला था, केजरीवाल ने, सबको पैसा मिलेगा जो लॉकडाउन में है, तो दिल्ली सरकार भी तो उनको दे रही है, हमें क्यों नहीं दिया फिर? सबसे पहले ना उसके नहीं तो? ये पैसे काट लेते हो फिर ये बोलते हैं नुका, हम क्या बताए काहे पैसे काट ले भाई, नुका आपने वो कर दिया वो कर दिया, उसे बताते नहीं फिर। ये आपकी हड़ताल जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आपका पैसा कट रहा है? हाँ, पैसा कट रहा है इसी वजह से। तो वो आपको मतलब बात करने को तैयार नहीं है डिपो प्रशासन कि आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कोई नहीं पता, इन्हू कह रहे हमें एक हफ्ते का टाइम मांग रहे, लिख के कोई नहीं दे रहा, लिखित में कोई नहीं दे रहा। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि कह रहे थे कि लॉकडाउन में ऑटो वालों को मैं घर बैठे उनके पैसे दूंगा, लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। और इनका कहना ये है कि इनके कंडक्टरों को पैसा दिया गया, ड्राइवरों को पैसा नहीं दिया गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ यहाँ ड्राइवरों का शोषण हो रहा है, 8,000, 7,000, 6,000 रुपये हर मंथली कट के आ रहे हैं। क्यों कट के आ रहे हैं? मेहनत नहीं करते क्या? हम 10 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम कर रहे हैं हम, उसके बावजूद हमारा पैसा क्यों कट रहा है? आपके भी कटे हैं पैसे? हाँ जी, 1,00,000 रुपये 12 महीने में। 1,00,000 रुपये 12 महीने में, जो एक गरीब आदमी की पूरे साल की इनकम होती है, सेविंग कह लो या उसका घर का खर्चा कह लो, जो एक आदमी नहीं कमा पाता है उतना पैसा एक ड्राइवर का कट रहा है। सर जी एक बात बताओ, जब ये सुनो DTC के अंडर चल रही है तो DTC के ही रूल होने चाहिए इसमें। तो DTC के अंडर चल रही है तो DTC के जो रूल्स हैं वो लोग आप फॉलो कर रहे हो और उसके बाद भी आपके पैसे कट रहे हैं। गाड़ी 2 घंटे लेट है फिर भी कप पसेड़ा था, चक्कर लेकर आओ।
और उसका फिर कोई पैसा नहीं मिलना, कोई ओवर टाइम नहीं है, ओवर टाइम नहीं है। जैसे टीटीसी का होता 20 का चक्कर बना दिया, मैरोली का, लाडो सराय का, संगम बिहार का, वो कुछ ही सिस्टम नहीं है, चक्कर ही मार का। ओके ओके, मेरी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा बीच बीच हो जाओ। यहाँ जितने ड्राइवर है मेरे भाई है, 400 है 500 जो भी है, इनका सबका शोषण हो रहा है यहाँ पे इस डिपो के अंदर। ठीक है जी, मेरी आईडी 70973 है, मैं अपना नाम भोपाल सिंह बता रहा हूँ। ठीक है, और सब शोषण कर रहे हैं बहन चौत, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, 8,000 किसी के 7,000, 8,000 में भाई साहब पूरे महीने का बजट खराब होता है आदमी का। सही बात है, 8,000 रुपये जो आज के टाइम में तनख्वाह नहीं है लोगों की, बहुत सारे लोगों के पास तो काम भी नहीं है, तो इनके 8,000 रुपये कटे हैं। आप इनकी आंखों में देखो, इनकी आंखों में आंसू दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ये आप ये देखो, एक साल के अंदर 1,00,000 रुपए कट चुका है। आपको पता है 1,00,000 रुपए कमाने के लिए इंसान को पूरे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आगे 10,000 रुपये महीने में कमा पाता है वो। और इन लोगों ने इतना गंदा शोषण कर रखा है सिस्टम ड्राइवरों का कि स्टैंड पंच ना हो, और जबकि हम हर स्टैंड पर गाड़ी रोक रहे हैं, हम। ठीक है, एक सेकेंड, हर स्टैंड पर हम गाड़ी रोक रहे हैं, उसके बाद में इनकी गाड़ियाँ 10-12 साल पुरानी हो चुकी हैं, 10-12 साल गाड़ी इनकी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, उनका GPS काम कर रहा है या नहीं कर रहा है हमें तो पता ही नहीं इस चीज़ का। ये कहते हैं आपने जी गाड़ी नहीं रोकी, GPS में शो कर रहा है इस चीज़ को, हम कहते हैं दिखाओ GPS में। इनका GPS चेक करवाने के लिए कहो, GPS चेक करवाते नहीं है लोग, ये कहते हैं भाई GPS तो लगा हुआ है, ये देखो चालू है, उनकी लाइट जल रही है, GPS चालू है। हम कैसे मान लें कि GPS आपका चालू है, आपका GPS काम कर रहा है? ठीक है, GPS के थ्रू हमारे इतना पैसे काट रहे हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। स्टैंड मिस पैसे कट गए, एक सेकंड, स्टैंड मिस पैसे कट गए। हम गाड़ी टाइम, हमें बोला गया गाड़ी, जबकि DTC की गाइडलाइंस में ये कहा जाता है कि गाड़ी को 10 से 15 मिनट हम फास्ट चला सकते हैं। DTC की गाड़ियाँ भी 15-15-20-20 मिनट फास्ट निकल जाती हैं, अदरवाइज हमारे ऊपर इतना प्रेशर दिया गया है कि आपको टाइम, एक सेकंड रुक जाओ, हमारे ऊपर इतना प्रेशर दिया गया कि टाइम से भी आपको 5 मिनट गाड़ी लेट लेके निकलना है। हमारे इतने ड्राइवर हैं, सारे लोग टाइम से 5 मिनट, अरे यार रुक जाओ, हमारे ड्राइवर टाइम से 5 मिनट लेट ही चलते हैं गाड़ी लेके, उसके बाद भी इनका GPS आधा घंटा फास्ट दिखाता है। बताओ कैसा GPS लगा रखा तुमने गाड़ी के अंदर? कभी कहते हैं कंडक्टर के मशीन के हिसाब से चलो, कभी कहते हैं हमें कंडक्टर की मशीन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब पैसे कट जाते हैं हम इनसे सवाल करते हैं, कहते हैं तुम्हें कंडक्टर की मशीन से क्या मतलब है भाई, अपने GPS के चलो। हम कहते हैं भाई तो हमारा GPS दिखा दो। ठीक है, किसी के 7,000 काटे हैं, किसी के 8,000 काटे हैं, किसी के 9,000 काटे हैं, मतलब ये लगा लो सर, आदमी यहाँ पे आके रो के चला जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरी 4 ड्यूटी है और 4 ड्यूटी में 1200 रुपए काटे हैं, अब बताओ क्या कर लेंगे। अच्छा, कितना आता है आपका? जी 750, यानी कि 2800 रुपए में से आपके 1200 रुपए कट गए। हाँ जी, ये देखो इस टाइम पे ओके ड्यूटी करने पे जो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, पर ड्यूटी पे 100 रुपए इंसेंटिव है, पर ड्यूटी पे 100 रुपए इंसेंटिव। ठीक है, ओके ड्यूटी करने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, स्टैंड भी पंच कर रहे हैं, उसके बाद हम पता चलता है जी आपने स्टैंड 2 मिस कर दिए थे, 2 स्टैंड मिस करने पे ट्रिप डिस्क्वालीफाई हो गई है, आपकी पूरी दिहाड़ी में से आधी दिहाड़ी खत्म। जिस बंदे का चक्कर मिस है, जिसका ब्रेकडाउन की वजह से चक्कर मिस है, उसकी दिहाड़ी 750 रुपए सीधी है, लेकिन जो बंदा 8 घंटे मेहनत करके आ रहा है, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करके आ रहा है, उसके 750। लेकिन उस बंदे ने जो स्टैंड मिस करे और उसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हुई तो उसी को क्यों मिला, आपको क्यों नहीं मिला? यही चीज तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ सर, एक सबसे पहला मोटिव तो ये है कि हमारी जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है ड्राइवर तो ब्रेकडाउन नहीं करता, जो इनके अंदर जो मैकेनिक डिपार्टमेंट है इनका, गाड़ी में काम क्यों नहीं करके देता? अभी इन्होंने तो कल ही मेरे पास एक उसमें ग्रुप में वो आया, पर्चा डाला है इन्होंने, नोटिस डाला है, सभी ड्राइवरों को सूचित किया जाता है कि आप लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना है। किस चीज़ को? सभी की गाड़ी का भी यू टर्न करें या टर्न लें तो आप इंडिकेटर चलाएं, एक गाड़ी का इंडिकेटर चला के देखना, जरा किसी का भी कोई इंडिकेटर चल रहा है इसका? देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों में काम नहीं हो रहा है, इनको दिया जा रहा है कि आप इंडिकेटर दीजिए गाड़ी में, ये कराइए, और अगर ये लोग गाड़ी लेकर के नहीं निकलते हैं टाइम पे तो इनकी गाड़ी लेट हो जाती है, जो इनका इंसेंटिव है वो इनको नहीं मिल पा रहा है। तो और एक चीज ये कि इनके जितने भी ड्राइवर्स हैं सबका ये कहना है कि सबके पैसे कट रहे हैं। अभी एक भाई ने बोला कि मेरे 4 दिन की तनख्वाह में से 1200 रुपए कट गए, 2800 रुपए में से 1200 रुपए कट गए, यानी कि अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ड्राइवर क्या कमाएगा और क्या अपने घर में खिलाएगा। और सर एक चीज, जैसे कि सरकार बोलती है कि बच्चों को क्या ना इसका पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिएगा उनका, लेकिन जब माँ बाप ही नहीं कमाएंगे तो बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, देश का भविष्य किस तरह से बनेगा? तो आप इन सब ड्राइवरों की प्रॉब्लम देखिए और इसमें आप, मैं बात करता हूँ किसी से। सर एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ सर, एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे डिपो में सभी ड्राइवरों को पैसे कट रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं अपने घर परिवार को लेके दब जाते हैं, थम जाते हैं कि भाई हमें अपने परिवार को चलाना है, कोई बात नहीं इस महीने कट गया अगले महीने हम ज़्यादा मेहनत कर लेंगे कमा लेंगे, उसके साथ अगले महीने वही होता है,
तो हमारे ड्राइवरों के बीच में से एक मोहन शर्मा नाम का एक ड्राइवर हमारा भाई, उसने जबकि उसका कोई पैसा भी नहीं कटा बेचारे का, एक 200-200 रुपये कटे होंगे शायद कटे हों, उसने आवाज़ उठाई कि भाई मेरे साथ के जो ड्राइवर हैं मेरे भाई हैं सारे, इनके पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। उसको यहाँ बुलाया, ठीक है बात कर ली कि आप एक सेकंड, उससे बात की कि ठीक है आपके जो भी है हम आपके सॉल्यूशन निकालेंगे, आप गाड़ी निकलवा दो। ठीक है जी, गाड़ी निकलवा दी। अगले दिन उसको हमारे यहाँ का सुपरवाइज़र एक हमारे हैं हरप्रीत सिंह नाम है उनका, उन्होंने उसको इतना धमकाया फ़ोन करके, जो उन्होंने आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने बोला था कि हमारी जो सैलरी काटी जा रही है हमारा हराम का पैसा तो है नहीं, और जब तक हमारा हराम का पैसा खाया जा रहा है हमारे हराम के पैसे से इनका घर चल रहा है। उन्होंने गुस्से में देखो आदमी का दिल टूटता है ना, दुखता है तो वो कुछ भी बोल देता है। हमारे सही बात है, पैसा कटने में दूर हमारे, हम मेहनत करके कमाते हैं, ऐसे नहीं किसी के हाथ हाथ नहीं फैला रहे हम। तो उसको बाद में इतना धमकाया गया कि तेरे हराम की मैं FIR कर दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। उसके बाद में फिर उनसे बात हुई, उन्होंने यहाँ पर उनसे माफ़ी मांगी कि जी हमें गलती हो गई, हमने माफ़ी मांग ली। अगले दिन ही उसको ट्रांसफर लेटर पकड़ा दिया जाता है, अगले दिन ही उसको ट्रांसफर लेटर पकड़ा दिया जाता है कि तुम्हारा ट्रांसफर क्यों, वो बंदा आवाज़ उठा रहा है। मोहन शर्मा जो है वो आपके क्या यूनियन के अध्यक्ष, हमारे यूनियन का अध्यक्ष है वो। वो कहाँ से आते हैं कुछ बताएं? वो सर अभी फिलहाल मेहरौली से आते हैं वो काम यहाँ करने के लिए, और कंझावला उनका ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ से। इससे पहले उन्होंने सुनहरीपुला ट्रांसफर करके भेज दिया था उनको, फिर वहाँ से ट्रांसफर करके फिर यहाँ बुला लिया गया। मतलब उसको एक तरीके से परेशान किया जा रहा है इतना कि वो बंदा नौकरी छोड़ दे। देखिए ड्राइवर का किस तरह से शोषण किया जा रहा है, एक मिडिल क्लास इंसान जो मेहरौली में रहता है वो कंझावला किस तरह से पहुंचेगा? अगर वो बाइक से जाता है तो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि आज की डेट में मैं मानता हूँ कि क्या ना 10 किलोमीटर चलने में भी बहुत बड़ा प्रेशर आता है, या 60 किलोमीटर बाइक से जाना एक आम आदमी के लिए बस की बात नहीं है। या तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा या वो खुद रिजाइन देके चला जाएगा। वो इन लोगों के लिए बोल रहा है लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारी 31 ड्यूटी है, 30 है, 30 ड्यूटी की 31 ड्यूटी में सैलरी होनी चाहिए 29,500, ठीक है जी, 29,500 या 2,900 रुपये, 29,000 रुपये आनी चाहिए। लेकिन ये क्या बेचते हैं 18,000 रुपये, 19,000 रुपये, 18-19। अब किस किसी किसके काटे हैं? मिसिंग स्टैंड है। अरे मिसिंग स्टैंड DTC में नहीं है क्या? वो तो DTC वालों के नहीं करते मिसिंग स्टैंड के पे? नहीं। और कोई अलग अलग ये सैलरी स्लिप देख लो आप, 31 ड्यूटी का तनखा दे, 31 ड्यूटी है, 727 की ड्यूटी चल रही है, 31 ड्यूटी है, ठीक है। अब ये 52-97 ID नाम रमेश है, 31 ड्यूटी की तनखा बननी चाहिए हमारी 29,000 रुपये, तनखा ये हमारी 17,000 रुपये में तो हम ठेले चला लेंगे, जब 17,000 लोडिंग वाली गाड़ी चलाएंगे जब 17,000 आ जाएगी। कहते आप बोल रहे स्टैंड पंच नहीं करे, सवारी गाड़ी में पूरी है तो स्टैंड कहाँ को पंच करेंगे? स्टैंड गाड़ी में सवारी पूरी है तो कह रहे स्टैंड पंच नहीं करे, उसके 2,400 रुपये काट लिए, और कह रहे बैज बना दिया, बैज की हमारे बैज की अभी तक फोटो नहीं हुई, एडवांस में पैसे काट लिए, बैज के एडवांस में पैसे काट लिए हमारे 35-37 रुपये जो एडवांस में काट लिए, और इस हिसाब से हमारी दिहाड़ी भी 749 रुपये बनती है एक दिन की, वो दिहाड़ी के हिसाब से भी तनख्वाह नहीं आई हमारी एक दिन की 749 रुपये दिहाड़ी में, ठीक है। 31 ड्यूटी के आप लगा लो कितने बनते हैं, ये कह रहे इंसेंटिव अगले महीने देंगे, ये डिपो में पहले रूल नहीं हुआ था हमारे को, जब भर्ती करा था इंसेंटिव बाद में मिलेगा, हमारे पर लेटर रखा हुआ है इंसेंटिव हर महीने मिलेगा, जब हम तनख्वाह के साथ में इंसेंटिव आना चाहिए हमारा। ये तो अब ये डिपो में आने से, हम पहले सुनहरापुला में चलाते थे वहाँ कोई पैसा नहीं करता था इतना, 1,500 रुपये करता था, इस डिपो में आने से ये गदर फंड इस डिपो में हो रहा है यहाँ हमारे साथ। तो आपके साथ जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो डिपो प्रशासन आपको कुछ हेल्प करता है या नहीं? कोई नहीं करता ना, पैसे दे, कुछ पैसे नहीं देता, आपके पैसे रोके जाते हैं लेकिन आपको एडवांस नहीं दिया जाता? कोई एडवांस नहीं दिया जाता हमारे को, कोई पैसा एडवांस नहीं दिया जाता हमारे को, ना फोन उठाते ना कुछ करते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई लोगों। आपका नाम? मेरा नाम मुनीस, ID 52519 है मेरी। देखो ये शोषण के जो हो रहा है ये शोषण के पीछे आवाज़ उठी है, और इस आवाज़ में जो बोलने वाला है उस इंसान को सबसे पहले कंपनी दूर करती है, जैसे कि मोहन शर्मा जो साथ हमारा भाई खड़ा था, उस भाई को इन्होंने कल रिजाइन दे दिए, रिजाइन वो दे दिया, ट्रांसफर लेटर दे दिया हाथ में 6 बजे कि जी आपका ट्रांसफर होकर आपको सवेरे 14 तारीख को, आज की जो तारीख है 14 तारीख, आपको सवेरे वहाँ 8 बजे ज्वाइनिंग करनी है। उसके बीवी बच्चे यहाँ सब पढ़ रहे हैं, क्या वो वहाँ ड्यूटी करने जाएगा? नहीं जाएगा। और दूसरी बात, आप लोगों से पैसे कट रहे हैं, क्या उसके पैसे कटे थे? वो शोषण के बीच में क्यों आया? क्योंकि हमारे पीछे आया, क्योंकि हमारे पैसे कट रहे हैं, हमारे पैसे कट रहे हैं।
तो मोहन शर्मा इस टाइम कहाँ पर है? अंदर SHO साहब ने बैठा रखा है, DM साहब ने कहा है कि आप अंदर आके बैठिए बात कीजिए। वो ऐसी झूठी सलाह दे गए, पहली बार जब BK सर आए थे उन्होंने भी कहा था कि आपके साथ कोई शोषण नहीं होगा और जो उससे काम है आपको सब लिखित में दिया, हमारे को लिखित में दिया गया और दो दिन बाद हमारा शोषण हो गया। और हमारे हरप्रीत सर हैं, जो हरप्रीत सर हैं उन्होंने मोहन जी को गाली दी परसों फोन के, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है, रिकॉर्डिंग है। देखिए आपके किस तरह से धमकाया जा रहा है, मोहन शर्मा को अंदर बिठाया गया है और उनसे क्या वार्ता चल रही है यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें सारे ड्राइवरों का कहना है ये सबके सामने आकर बात की जाए, इंडिविजुअली कोई बात ना की जाए। तो वहाँ पे उन्हें अकेले बुला करके बात किया जा रहा है, वहाँ उनको धमकी दी जा रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? नाम आपका? मोहम्मद रियाज जी, बोलिए सर। हमारे 20 किलोमीटर के जो पैसे काटे जाते हैं ना, तो उसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट तो काट ही लेता है, लेकिन जो डिम्स के जो हमारे DM हैं वो हमें इस बारे में सूचना भी नहीं देते, ना हमारी कटौती के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते, समझ रहे हो आप? अगर पैसा हमारा कटेगा तो डिम्स हमारे को लेटर तो देगी उस चीज़ का कि हमने किस चीज़ का पैसा काटा है। तो वो तो कंपलसरी है कि अगर मेरा चालान कटता है तो दिल्ली पुलिस मुझे उसके एक रसीद देती है, तो आपके साथ जैसा पैसा कट रहा है तो वो भी आपको देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से आप उस डिपार्टमेंट से पूछे कि आप हमारे जो पैसे काट रहे ड्राइवरों को वो उसकी सूचना आप क्यों नहीं देते उनको? तो आपका कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है? तो हमें तो केवल दिखा देते हैं कि आपका पैसा कट गया है और उसके बारे में वो कहते हैं भाई आपने पंच नहीं करा। अब पंच नहीं करा तो एक बार बताओ, जब हमने पंच किया इनका GPS खराब है तो हम क्या कर लेंगे? इसका सबूत देखो, ये रहा गाड़ी डिपो के अंदर खड़ी है, ये गाड़ी ये देखिए इनका डिपो के अंदर खड़ी है और देखो ये GPS दिखा रहा गाड़ी शिवाजी पार्क में, इनका देखिए दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। आप देखिए, आप देखिएगा इनका जो GPS चल रहा है जिसके बिहाफ पर इनका पैसा कटता है, वो GPS इस टाइम पे दिखा रहा है शिवाजी पार्क और गाड़ी खड़ी है तेखन डिपो के अंदर, जो कि सुबह से यहाँ से एक भी गाड़ी आउट नहीं हुई है, आज सारी गाड़ी अंदर खड़ी, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे दिखा रहा है करंट लोकेशन शिवाजी पार्क। तो आप अंदाजा लगाइए कितना फ्रॉड, कितना इनके साथ धोखेधड़ी हो रही है। तो सर ये जो बात सुनिए, ये डिम्स से शोषण की बात कह रहा है भाई जी, मैं तो हराम खाने वाला बोल रहा हूँ। तेरी एक वीडियो आई मेरे सामने अभी, कौन से, जिसमें तू कह रहा है कि इनकी हराम की खा रहे हैं और इनकी रोटी कैसे चलेगी घर के, चूल्हे कैसे जलेंगे। तेरे नाम की मैंने कंप्लेंट डाली है ओखला थाने में भी और तेरे नाम पे केस डाल रहा हूँ। ठीक है, तूने मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी है बाहर खड़े होकर रोड पे कि मेरे तेरी हराम की कमाई खाने से मेरे घर का कसूर चल रहा है। मैंने व्यक्तिगत आपको बोला, तूने कंपनी के ऊपर बोला ना, अंदर बैठे जो लोग वो कर रहे हैं। तो एक चीज बताइए, आपने रसीदें दी? नहीं, तूने बोला ना अंदर जो लोग बैठे हैं। फालतू आप लोगों ने जो डिडक्शन की उसकी स्लिप दी, कल मेरे सामने आए यहाँ पे जब हड़ताल खत्म हो गया, इतना शरीफ बन के मेरे सामने आया तू, तेरे से किसने एक पैसा भी फालतू मांगा ड्यूटी के लिए? तू भूल गया थाने वो दिन, तेरे को थाने से छुड़वा के लाया था मैं, तू भूल गया वो दिन? तेरे को ऐसे दो राशन की अलग से मैंने तेरे को दिलवाई थी, आपने नहीं दिलवाई। लिसन भैया सुनो, आपने नहीं दिलवाई है ना, तो आपने भूल गया तो मार्शल तेरी कंप्लेंट लेके आया था, मैंने तेरे को ड्यूटी किया। ये फालतू का एहसान ना ला दिए, क्योंकि आपने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है। थाने में आपने बंद करवाया थाने किट, थाना नहीं, थाने में आपने बंद करवाया। SHO साहब ने अपने SHO साहब ने अपने दरिया दिल्ली से तेरी हराम की कमाई से मेरा घर चल रहा है। आप सुनने के लिए राजी नहीं हो? नहीं, तेरी हराम की कमाई से मेरा घर चल रहा है। मैंने अब मैं क्या करूं, आप सुनने के लिए राजी नहीं हो आप? नहीं, तेरी हराम की कमाई से मेरा घर चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा आपको, आप सुनने के अगर बोलने वाला आप अगर सुनोगे तो सुनो, नहीं सुनो तो मत सुनिए। मेरे बच्चे तेरी हराम की कमाई चल रही क्या? मेरी बात सुनो, थाने से ना आपने छुड़वाया। तेरी बात है, तेरी हिम्मत क्या लोग इतनी बात बोलने की? यहाँ इतने लोग बैठे डिपो में, तेरी हराम की कमाई चल रही क्या? देखिए देखिए, एक मिनट चांद, आप देखिए किस तरह से ड्राइवर को धमकी दी जा रही है दिल्ली पुलिस की, किस तरह से धमकी दी जा रही है कोर्ट की। ये तो वही है कि उल्टा जोर कोतवाल को डांटे वही वाली कहावत चल रही है कि पैसे भी इनके काट लो, दबा भी इनको लो, और अगर दादा बोले तो ट्रांसफर कर दो और उसको इतनी दूर भेज दो ताकि वो खुद ही नौकरी छोड़ के चला जाए। और जो जिनके लिए बोलने वाला है, जो इनके लिए आवाज उठाने वाला है, वो चला जाएगा तो ये बेचारे सबके सब कहाँ बोलेंगे? एक अकेला बोलेगा तो उसका सत्यानाश तो तय है।
अक्रम जी, आप अपने माध्यम से हमारे जो डिम्स के डीएम हैं, उप डीएम हैं, उनसे पूछे कि इनकी कटौती होती है तो इनको क्यों नहीं सूचना दी जाए। सर, जब आपका अधिकारी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है तो मैं उनके कैसे मिलूंगा जाकर के? आप ही बताइए, वो यहाँ पे आए, आप हमारी बात पहुँचा रहे हो ना मीडिया में, वो नहीं आएंगे तो आप पहुँचो उन तक। सर, मैं एक सबूत देना चाहता हूँ, डीएम से नहीं, आप उनके डीएम से मिलो, वो डिम्स वालों से मिलो, हमारे जो अधिकारी बैठे हैं कंडक्टर वाले, उनको सब कुछ सेवा मिलती है। सर, कोई कंडक्टर आपके साथ खड़ा है इस टाइम पे? खड़े सर अपनी ड्यूटी लेके, हमारे साथ नहीं है वो। मेरी बात सुनो, हमारा जो पीएफ है, हमारी सैलरी कंडक्टर से ज्यादा है, उनका पीएफ कटता है 2500-3000 रुपए, हमारा काटते हैं 1000-1200 रुपए। ये कंडीशन है सर, उनकी सैलरी 16-17 हजार आती है, हमारी आती है 20-25 हजार, फिर भी हमारा पीएफ कम है, क्यों? मैं बात करता हूँ, मैं मनीष, ID 5519, ये मेरे हाथ में सैलरी स्लिप है, देखना इस सैलरी स्लिप को, देखना कि हमारी वेतन है 19,443 रुपए। इसके हिसाब से कटना चाहिए, इस हिसाब से हमारा पीएफ कटना चाहिए, हमारा पीएफ हिसाब से नहीं कटता। कितना कटा? 1100 रुपए कुल। और दूसरी बात सुनो कि इसमें देखना, सैलरी में नवंबर के पैसे अब काटे जा रहे हैं, जबकि पैसे सैलरी स्लिप में हर महीने हर पित काटे जाते हैं। इसमें आपके बारे में क्या किया? देखो, 1 के 15,000 ये काटे हैं, 1300-1500 रुपये तुम्हारे इसके हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे इनसेफ्टी के, अगले महीने मिलेंगे, 1500 ये काट दिए इन्होंने, और क्या कहते हैं 900 ये काट दिए इन्होंने, कुल मिला के हाथ में दे दिए 3400 रुपये काट के, इन्होंने पैसे काट लिए 8000 रुपये, ठीक है जी, और उसके हाथ में दे दिए, लो जी तुम्हारा ये सबूत हो गया जी। कंपनी में जो फॉर्म था जो आपने भरा था इनका, उसमें आपने कोई डेट दी होगी कि डेट में आपकी तनख्वाह आएगी? सर, डेट दी थी हमारी 7 तारीख को, और हमारी तनख्वाह आती है 14-15 तारीख को, यूँ कहते हैं। बी के सर आए थे, बी के सर ने बोला था कि आपको ड्यूटी करनी है तो करो, अन्य तो सैलरी 14 तारीख से पहले 15 तारीख से पहले नहीं आएगी, और अथवा अगर आपको सैलरी पहले चाहिए तो आपका इनसेफ्टी नहीं आएगा। वो आपकी सैलरी हमारे 13 तारीख को दी है, 13 तारीख के देने के बाद हमारा इनसेफ्टी फिर भी नहीं दी गई। अगर इन लोगों की डिमांड ये रहती है कि इन्हें पहली तारीख को जैसे कि इनका बोला कि 15 तारीख को अगर आपको तनख्वाह चाहिए तो आपका इंसेंटिव साथ में आएगा, अगर आपको पहले चाहिए तो हम आपको इंसेंटिव रोक के देंगे। अगर ऐसे इनकी डिमांड ये रही कि मुझे पहले सैलरी चाहिए तो नहीं बोले, हम आपको पहली तारीख को सैलरी देंगे लेकिन आपको एक महीना और वेट करना पड़ेगा। किस तरह से शोषण हो रहा है वो सारी चीजें। एक मिनट, आप थोड़ा बना लिए, साइड में जाओ। ऐसा है जी, नाम बताइए। नाम मेरा अली नवाज है। अली नवाज, हाँ जी, ये हर महीने पैसे काट लेते हैं। मैं गया था ऊपर एचआर, वो ढंग से बात नहीं करता, वो कहता आप क्यों आए भाई, सर पैसे कट गए ऐसे ऐसे, कह रहा ये उसके कटे और जो 1100 रुपए बचे हैं ये अगले महीने आएंगे। इसका क्या मतलब होता है अगले महीने? तो आपका इस बार कुछ नहीं आया? आया, 4000 रुपए काट लिए मेरे, 4000 बतलाते नहीं है, हर महीने कटते हैं, मतलब आपको कुछ ज्यादा काट लिए। ये सभी ड्राइवरों के कट रहे हैं, सभी के कट रहे हैं। गाड़ी में कोई नुकसान हो, सीजर टूट जाए तो बाउचर भरवा लेते हैं, 4000 कट गए जी, 4000 काट लेंगे महीने में एक बार, दो दो आठ, ये देखो 8-8 काट रखे हैं। देखो सैलरी स्लिप में 30 दिन प्रेजेंट हूँ मैं, दिखाइए एक मिनट, 30 दिन काम किया है, इंसेंटिव कहाँ है? इंसेंटिव बताओ, 6500 तो किसी का दिया ही नहीं देखो, है, देखो नहीं, 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 एक मिनट, एक मिनट, आप एक एक करके दिखाइए, एक एक करके दिखाइए। 10 लाख का घोटाला आपका, आज का कौन सा है, अभी का कौन सा है? अभी का ही है, अभी का ये वाला है। देखिए सभी सैलरी स्लिपें सामने आ रही है, जिनमें सबके किसी के 8-8, 10-10 हजार रुपए, 4-4, मतलब 2-2 हजार रुपए तो नॉर्मल ही कट रहे हैं। जिसमें इस डिपो में सर मैं चाहता हूँ 600 कुछ ड्राइवर हैं और उनके ऐसे इस तरह पैसे कट रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? या तो ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट के पास जा रहा है या ये डिपो अधिकारी अपने पास रख रहे हैं, तो इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। ये पैसा जा कहाँ रहा है ड्राइवरों को नहीं बताया जा रहा। जैसे कि पिछली न्यूज़ में आपने देखा था, इन्होंने कहा था कि हमारा पैसा डिम्स के नाम से पैसा काटा जाता है डिम, जबकि ये बोल रहा है कि मैं आपके 200-300 रुपए से ऊपर नहीं काटता, तो बाकी पैसा फिर किधर गया? तो इसकी जांच होनी चाहिए और इन ड्राइवरों को जो शोषण हो रहा है उसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री गहलोत जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल की सरकार में जो भी यहाँ पर मंत्री नेता हैं उनको इसमें आकर के इनका साथ देना चाहिए। ये आप ही लोगों के भरोसे इन्होंने आपको चुना है अपने लिए, आप इनका साथ दीजिएगा। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ आप एक बार थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाकर अपने माइक के जरिए से सभी ड्राइवरों से एक बार इतना पूछ ले कि आपके कितने कितने पैसे कटे हैं, आपको आपके कितने कटे? मेरे 5000 रुपए। 5000 रुपए। एक सर एक चीज और छोटी सी, जैसे हमारी मशीन जो चलती है जो टिकट निकालते हैं उसमें 16 स्टैंड होते हैं, हमारे 721 पे हम रोकने को
रुकती है, 32 स्टैंड रुकते हैं, उसमें भी मिस हो जाते हैं। पता नहीं कितनी, ये पता नहीं कितनी देते जीपीएस, उनका पता नहीं कैसे चलता है कि इसमें स्टैंड मिस है। अब आप गिनती में उसमें मशीन में 16 स्टैंड है और 16 की जगह हम जाने में कम से कम 32 स्टैंड रोकते हैं, उसमें भी साले पैसे कट जाते हैं हमारे, पता ही नहीं लगता किस चीज़ का। कितने पैसे सबके आपके कितने कटे? आपने अभी बताया था, आपके कितने कटे भाई? कटे 3000। 3000? 3000 बढ़िया है सर। दोबारा फिर पूछो, वो बताओ आप। देखो आपसे आपसे बात कर पहले, हमारे भी 7000 कटे हैं। 7000? हाँ जी, मेरे 3000। 3000 आपके? मेरे 6500। लेडी, हाँ, आपका नाम? वीर सिंह। थोड़ा तेज बोलिएगा। वीर सिंह जी, आठवीं की टीसी थे, हम भर्ती हुए थे। अच्छा। और उस टाइम पे इन्होंने नहीं देखी थी वो टीसी, क्योंकि आठवीं की टीसी है। क्या बैज नहीं देखा था क्या इसका, अलवर का लाइसेंस है? आज जो है का दिल्ली का मांग रहे हैं, उस दिन कहाँ गए थे ये जो भर्ती करे थे? तो आप आठवीं की टीसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आपसे कोई ऊपर की डिग्री मांगी जा रही है क्या? अब वो जो है दसवीं की मांगते हैं, दसवीं के जो है का हमने 2700 रुपये अभी जमा करे हैं जी। ये तो डीटीसी में भी है, जिनके पास आठवीं की मार्कशीट है वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नई भर्ती उन्होंने बंद करी है। नई भर्ती मतलब? जो नए लोग आएंगे, अब जो नई ज्वाइनिंग होगी वो दसवें की मार्कशीट से आएंगे। तो होगी, हम तो नहीं होंगे, हम तो जो पहले के भर्ती हैं आठवीं थे। तो यानी कि आपसे दसवें की मार्कशीट की डिमांड की जा रही है? हाँ जी। देखिए मतलब आप देखिए किस तरह से के सरकारी डिपार्टमेंट में भी, जैसे कि कोई दसवीं पास पे क्लर्क की पोस्ट पे गया लेकिन आज की डेट में दसवीं पास नहीं मांग रहे, तो उसको ये नहीं होता कि आप हमने ग्रेजुएशन कर दिया तो ये दसवीं वाले को निकाल दिया जाए। यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके आठवीं की मार्कशीट है तो आपको सेवा नियुक्त कर दिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस डिपो में कितनी बसें हैं जो रूट पर चलती हैं? इस डिपो में बसें हैं जी 167 गाड़ियाँ। 167 गाड़ियाँ जो दिल्ली के रूट पर आज नहीं है। आप सुनिए कि ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनके साथ शोषण हो रहा है, तो कितने लोग अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे होंगे। आप दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हम ट्रांसपोर्ट सेवा बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 100 कुछ बसें खड़े होने का मतलब ये है कितने लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। तो अब आप कुछ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी 6 महीने पहले जो हड़ताल हमसे कराई गई थी कि गाड़ी हमारी नहीं चल रही है, कि आपको नोटिस दिया गया था कि आप अपने अपने घर जाइए, तब हम लोगों ने हड़ताल की थी तो 6 महीने का टाइम मिला, पर हमारे पास अभी तक लिखित में ये नहीं पता चला कि ये गाड़ी हमारी कब तक चलेंगी। जनवरी तक चल रही है, फरवरी तक चल रही है, हमारे को फिर एक हाथ में दे दिया जाएगा कि लो जी आप अपने घर बैठ जाओ। हमारे को जब भी बोला जाता है कि एक साथ बोला जाता है, ये नहीं है कि हमारे को पहले दिया जाए लिखित में, कोई हमारे कोई लिखित में नहीं दिया जाता हमारे को। हमारे को अभी तक अगर हमारे पैसे कट रहे हैं तो हमारी सैलरी स्लिप में ये नहीं बताया जा रहा हमारी चीज़ के पैसे कट रहे हैं। तुम्हारे पास ये पूछो कि तुम्हारे पैसे कट गए, इस चीज़ के कट गए, किससे पूछो? डीएम से पूछो, डीएम के पास जाओ, एचआर के पास जाओ, एचआर के पास जाओ, डिफेंस उसके पास जाओ, एमआईएफ के पास जाओ, सबके पास जाओ, मतलब कोई बताने वाला नहीं है, वो घोटाला चलता ही रहना है। अगर एक मिनट, जिस तरह से डिपो प्रशासन काम कर रहा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी ऐसे करना चाहिए कि एक ही दिन में सारे डिसीजन लेने रहे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई सुबह को करो शाम को आ जाए, लाइसेंस भी ऐसे ही होना चाहिए, ताबक तोड़ डिसीजन ले लो। अच्छा है, ऐसे ही सरकार को इनसे कुछ सीखना चाहिए कि जनता नौकरी करे पैसा ना मिले। ये इन लोगों का सीधा सीधा शोषण हो रहा है जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करने को दिया। आपके क्षेत्र में जो नेता है कोई भी हो रहा है तो वो लोग आके आपसे कुछ बातचीत करी अभी तक? अभी तक कोई नेता नहीं आता जी। यहाँ पे है सईराम पहलवान जी, आप उनके पास चले जाइए। कौन सी पार्टी से? ये सईराम पहलवान जी आम जनता पार्टी से, उनके पास जाइए। तो पहले विनीत जी थे यहाँ पे, तो उनकी बातचीत थी। अगर कोई भी ड्राइवर वहाँ जाता था तो कोई सुनवाई नहीं होती थी, जो हमने कर दिया वो हमने कर दिया, बात खत्म। अमजद विनीत सर ये थे, इनने जो रिजर्वेशन ले लिया वो इसी हिसाब चलते थे। आज की डेट में हम जो खड़े हैं, हम सिर्फ दो चीज़ के लिए खड़े हैं, मोहन में वापिस चाहिए, जो हमारा पैसा कटा वो वापिस चाहिए। जब गाड़ी चलाएंगे नहीं, हम गाड़ी चलाएंगे नहीं, हमारे लिजान ले लो सारे, जिंदाबाद। लिजान देने के लिए तैयार है हम, पर हम ड्यूटी करने के लिए अब तैयार नहीं है। आगे पैसे नहीं कटे, ये आप इस चीज़ से अंदाजा लगाइए। आम आदमी पार्टी इस टाइम पे वो आम हो चुकी है, आम आदमी पार्टी इस टाइम पे वो आम हो चुकी है जैसे कि सीजन में आम आता है उसी तरह से। तो इन लोगों से मिलना उनके लिए कोई संभवता नहीं है, ये लोग नहीं बात कर सकते। जैसा अभी पिछले इंटरव्यू में मोहन शर्मा ने खुद ने बोला था कि हम बिदूड़ी जी के पास गए थे, वीर सिंह बिदूड़ी जी के पास गए थे, उन्होंने हमारी सुनवाई करी और उन्होंने हमारे लिए एक्शन लिया और उन्होंने इसको अखबार में भी शो ऑफ किया था। तो उनके साथ इनके साथ वो लोग खड़े हो रहे हैं जो इस टाइम पे इस क्षेत्र में नहीं है, जो इस क्षेत्र का है वो तो वही वाली बात हो गई, बाप नहीं खिलाएगा तो पड़ोसी तो खिला ही रहा है, वही चल रहा है। जो भी है, हमारा सिर्फ कहने मतलब ये है, जो हमारा शोषण होता है हमारा शोषण बंद किया जाए।
अपनी गाड़ियों का जो तुम्हारी गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सही करके भेजें गाड़ी को बाहर, तो ड्राइवर की गलती आ जाए तो मायने रखता कि हाँ भाई ड्राइवर की गलती आ रही है, और बिना गलती के ड्राइवर के पैसे काटे जा रहे हैं। और आज जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कल के डेट में नहीं तो 10 दिन बाद मेरा यहाँ से ट्रांसफर होना होना ये निश्चय है। अब सर आती है गाड़ी को मेंटेनेंस के बारे में, आप इतनी गाड़ी खड़ी है किसी भी गाड़ी का इंडिकेटर चला लो या कोई भी स्विच काट के देख लो, स्पीड मीटर का कोई नहीं बताएगा, प्रेशर नहीं बताएगा गाड़ी का, ना कोई बताएगा, कुछ भी नहीं चल रहा। आपकी बरसात हो रही, छत से पानी टपक रहा, मतलब कोई भी सुधार नहीं है गाड़ियों के बारे में, मतलब ड्राइवर के पैसे काटे जाते हैं। बसों की हालत ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आप कोई सी भी गाड़ी इंतजार करके देख लीजिए। अभी आप बसों के हालात देखिए जाकर के, कैमरामैन हमारे जाके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से बसों में हो रहा है, यानी कि बरसात में बस में छतरी लेके बैठना अनिवार्य है। देखिए आप यहाँ पर इनके यूनियन अध्यक्ष मोहन शर्मा जी, जिनका ट्रांसफर कंझावला डिपो कर दिया गया है, वो अभी अंदर से मीटिंग में आए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मोहन शर्मा जी, सर आपके चैनल के माध्यम, अब सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं कि जो हमारी आवाज़ उठाई और जो पहले भी आवाज़ उठाई उसी का नतीजा है जो हमारे सारे भाई एकजुट हो पाए हैं आज। और अंदर मुझे जब से बुलाया गया है, बस ये लगा लीजिए कि सिर्फ अपनी अपनी बात मनवाने की बात की जा रही है, और जो हरप्रीत जी हमें फ़ोन पे गाली ऑडियो भेजे थे, मतलब जिनकी ऑडियो मैंने वायरल करी थी, उनके कल माफ़ी मांगी है और आज वार्तालाप, फिर उनकी टोन वैसी ही है। लेकिन फ़िलहाल में डीएम साहब जो हैं हमारे होम क्वारंटीन थे, वो आए इसके लिए, उन्होंने बोला लिखित में देंगे, आप अपनी शर्तें लिख के दीजिए। लेकिन लिखित में तो सर ये है कि अगर हमारी गाड़ी DTC की गाइडलाइन के अंदर चलती है तो जैसे DTC चलेगी वैसे हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, अगर DTC स्टैंड पंच करेगी तो हमारी गाड़ी स्टैंड पंच करेगी, एंड अदरवाइज हम गाली सुनने के लिए स्टैंड पे गाड़ी नहीं रोकेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से UP वाला अगर लाइसेंस लेके दिल्ली में चल रहा है तो उसका चलान कटेगा, दिल्ली वाला लैंडलाइन जम कर दे तो DTC वाले जो करेंगे वो वाजिब है, और ये लोग करेंगे तो इनके साथ अन्याय होना अनिवार्य। अच्छा सुनिए, एक चीज़ और सारे भाइयों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मतलब एक एक को नहीं बता पाऊँगा, एक चीज़ और सत्यापन हुई है वहाँ पे, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, एक मिनट मेजर, एक चीज़ और सत्यापन हुई है जो कि लिखित में नहीं देने को कह रहे हैं कि आपकी जो कटौती हुई है बैच की, क्योंकि बैच के पैसे लिखित में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कह रहे हैं कि हमने अथॉरिटी में रिश्वत दी है, आपके बैच बनवाने के लिए रिश्वत दी है। वो नाम बताए रिश्वत किसको दी गई है और किसने दी है? अब सर वो अंदर की होती है, वो नहीं बताया गया है, लेकिन क्या कहते हैं रिश्वत दी गई है कि कह रहे हैं कि ऐसा है। आप जब अंदर बैठे थे आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ अपने दिल्ली पुलिस के 3 कर्मचारी थे, और वो असिस्टेंट मैनेजर हरप्रीत, जिनके मिसबिहेव के बारे में बातें उठी थी, और एक हमारे माननीय DM साहब जो अभी मेहसान मंदु आए यहाँ पे, क्योंकि होम क्वारंटीन थे, भगवान ठीक ठाक रखे उनको, ठीक हो जाएं। लेकिन क्या कहते पता क्या, अंदर बुलाने के बाद यही सारी बातें हुई, और मेरे को नहीं लगता है कि मतलब संतोषजनक कोई मतलब वैसा किया गया हो। और सबसे पहली चीज़ तो मीडिया को अवॉइड करना चाहते हैं डिपार्टमेंट कि मीडिया आप बुलाते क्यों हो। आपके टोटल कितने डिपो हैं? सर हमारे MD साहब के 5 डिपो हैं, जिनमें से एक हमारा ये तेखन डिपो है, और एक ओखला ये सुनहरी पुला है, एक VVM है, और एक दिचाऊ कला है, और एक कंझावला है। तो उसके ये सारे ड्राइवर उन्हीं डिपो के हैं? नहीं नहीं, ये सिर्फ इसी डिपो के हैं, कटौती सब डिपो में हो रही है। टोटल कितना स्टाफ है? टोटल यहाँ पे कम से कम नहीं 5 डिपो का जो हमने हड़ताल करी थी उसमें जो दर्शाया गया था 25,000 के मतलब 7-8 हज़ार स्टाफ बताया गया था, जिनके पीछे उनका परिवारों को जोड़ के 50,000 की रोजगार की लड़ाई लड़ी। 8,000 लोगों में कम से कम 2,000 रुपए कट रहे हैं हर स्टाफ के, तो आप अंदाजा लगाइए, ये अगर पैसा सरकार के पास जा रहा है तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जानी चाहिए, हम लोग अमेरिका के बराबर में खड़े होने चाहिए इस टाइम पे, जिस तरह से इन ड्राइवर को शोषण हो रहा है। बाकी इनका कहना यह है कि दिन मना कर रहा है कि पैसे हम लोग नहीं काट रहे, तो यानी कि ये पैसा किसके पास जा रहा है ये सवाल अभी तक सॉल्व आउट नहीं हो पा रहा है। तो आपका जो ट्रांसफर किया गया था वो रुका या नहीं रुका? सर आज हमारे भाइयों ने, मैं एहसानमंद हूँ मेरे भाइयों का,
जो आज तक मैंने आवाज़ अपने भाइयों की उठाई और आज मेरे भाइयों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया और मेरा ट्रांसफ़र कैंसिल किया जा रहा है। कह रहे आपका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं आप गाड़ियाँ निकलवाइए। मैंने कहा सर गाड़ियाँ तो निकलवाएंगे, लेकिन पिछली बार जो आश्वासन आपने दिया था वो सिर्फ ओरल में दिया था, अब की हमें आप लिखित में दे दीजिए। लिखित में अभी तक नहीं दिया। और जिन्होंने हमें आश्वासन ओरल दिया था उन्हीं माननीय जीएम साहब से हमें लिखित में भी चाहिए। पांचों डिपो के जो जनरल मैनेजर हैं हमें उन्हीं से लिखित में भी चाहिए। ये पांचों डिपो के लिए मांग रहे हैं, आप अपने खाली सुने इसी के क्या बोलते हैं तेखन डिपो के लिए। यूनियन जो होती है ना वो व्यक्तिगत नहीं चलती है, वो सारे ड्राइवरों के लिए लड़ती है। जो अगर अधिकार मिलेगा वो हमारे पांचों डिपो का ही नहीं, वो आने वाले टाइम में दिल्ली क्लस्टर के लिए भी लागू होगा। ये आप देखिए तेखन डिपो के अध्यक्ष क्या नाम का मोहन शर्मा जी, जो इन सब ड्राइवरों के लिए लड़ रहे थे, इनको एक वक्त ऐसा लगा कि मोहन शर्मा को यहाँ से हटा के कर दिया जाएगा, लेकिन इन सब ड्राइवरों ने एकता दिखाई और ये खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दे सरकार और इस पर थोड़ा अपना फोकस करे कि दिल्ली में क्या हालत है इस टाइम पर। जैसा मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि 200 बसों के करीब डिपो में खड़ी हैं, तो सवारी कैसे रोड पर सर्वाइव कर रही होगी। सर रोड पे परेशानी देखिए क्या होती है कि अब बसें यहाँ पे खड़ी हैं, हमारी सवारियों को भी परेशानी होती है, वो भी हमारा परिवार है, अगर वो नहीं होंगी तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपसे अभी बात करता हूँ, आप बसों की हालत देखिए अंदर बसों में क्या चल रहा है, तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जो चला रहे हैं बस का स्टेयरिंग नहीं कट रहा है, ड्राइवर कैसे हिल रहा है। ये बसें रोड पर चलेंगी तो हादसा नहीं करेंगी, ये बसें रोड पे चलेंगी हादसा नहीं करेंगी क्या? बताइए नहीं होता गाड़ी में जो लगा रहा। ये बसें अगर रोड पे चलेंगी पब्लिक नहीं मरेगी, मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं। उसके बाद आज अभी मेरा दिल्ली माननीय दिल्ली पुलिस वालों के सामने मेरा वो दिखाया जा रहा बैड कैरेक्टर कि सुबह की ड्यूटी ओके होती है, शाम की ड्यूटी आप मिस क्यों करते हो। सर सुबह 4-5 बजे अगर गाड़ी निकलती है, सुबह 4-5 बजे गाड़ी निकलती है, रोड पे ट्रैफिक नहीं होता, सुबह वाले भाई ओके कर पाते हैं, लेकिन शाम को 3 बजे अगर गाड़ी ड्यूटी निकलती है तो उस टाइम ट्रैफिक शुरू से ही स्टार्ट करते ही ट्रैफिक हो जाता है। जहाँ हमारा टर्मिनल होता है वहाँ पर गाड़ियाँ भी फंसी होती हैं, वहाँ पर वहाँ काफ़ी क्राउड होता है, गाड़ियाँ फंसी होती हैं, जो निकालने में गाड़ी हमें टाइम लगता है, जो कि अगर हम लेट हो जाते हैं तो उसके लिए भी कहते हैं वहाँ खड़े होकर आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप चक्कर मारना नहीं चाहते थे, आप बाकी ड्यूटी आप ओके ड्यूटी करते क्यों नहीं हो। सर एक चीज़ बताइए, रूल रेगुलेशन भी हमें दिल्ली पुलिस के मानने हैं, यदि हम एक लाइन में चलते हैं, गवर्नमेंट ने 40 की स्पीड दे रखी है, 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। तो सर 40 की स्पीड में चलने का मतलब ही है वो हाई स्पीड है। कितने किलोमीटर का रूट है आपका? सर हमारा रूट पहले कम का था, 115 का था, इस टाइम ये क्या कहते हैं इनको, इन्होंने जो शो किया हुआ है 125-30 का कर दिया है, 140 का। लेकिन टोटल स्टैंड कितने इस पे? टोटल स्टैंड इसमें 40 से ज़्यादा है, 126 किलोमीटर का रूट है और जिसमें 40 स्टैंड है, 40 स्टैंड है वन साइड, तो 40 स्टैंड पे रुकने का मतलब आप समझिए कि गाड़ी किस तरह से ओके होगी। ओके में मतलब कितना क्या होता है आपका ओके में करने का? ओके ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जैसे पूरा शेड्यूल जो मिलता है हमें यहाँ से, हमारी गाड़ी जैसे चलती है कि कमला मार्केट से द्वारका मोड़ जाएगी, यहाँ से कमला मार्केट जाएगी, पहले सुबह यहाँ से कमला मार्केट जाएगी शटल लेके, फिर वहाँ से द्वारका मोड़ जाएगी, फिर वहाँ से नेहरू स्टेडियम जाएगी, फिर वहाँ से द्वारका मोड़ जाएगी, फिर वहाँ से कमला मार्केट जाएगी, फिर जाके ओके ड्यूटी होगी। और इतनी ओके ड्यूटी होने के लिए सर पता क्या है, रोड पे हमें ना जाने कितने रूल रेगुलेशन तोड़ने पड़ते हैं, ड्राइवर होने के नाते हमारे लिए ये उचित नहीं है, लेकिन मजबूरन हमारे ऊपर मानसिक तनाव इतना ज़्यादा होता है कि हमें करनी पड़ती है। मैं नहीं करता, देखिए मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर प्यारा है, मैं नहीं करता इस चीज़ के लिए, मैं इस चीज़ के लिए नहीं करता कि भाई ओके करने के लिए ज़्यादा दबाव दूँ, रिस्क लूँ रोड पे, क्योंकि अगर गाड़ी हादसा होता है तो हमारा भी चलान कटता है उसमें। आप कुछ कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए, कुछ अंदर जो भी चला? ठीक है चलिए यहाँ पर जो भी था, अब आप बसों की हालत देखिए। चलिए आप हमारे हिसाब करवा दो, बाहर हो जाएंगे सब, हमारे हिसाब करवा दो, बाहर हो जाएंगे।
ले जाएगा ना, ले जाते ले जाते। तो सर जनता ही मना कर रही है, मैंने तो सर जनता कर रही है, मैं तैयार हूँ। मेरी वजह से जनता इकट्ठी हो रही है सर, मेरी वजह से नहीं, मैं 8 बजे मैं 7 बजे आया हूँ यहाँ पर, जनता 5 बजे से चालू है सर, जनता का तो कॉल आ रहा है मेरे पास, जल्दी आया हूँ सर। सारी जिम्मेदारी तुम ले रहे हो क्या? कोई नहीं सर, अगर आप कह रहे हो तो हम कोई दिक्कत नहीं, पीछे हट जाता है, आप जनता को हटा दीजिए, हम तो बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ भाई, हेलो बाहर आ जाओ। मैंने घुमाया तो है, पूरा पूरा दिखाया मैंने कैमरा। वहाँ पे लगा, वहाँ लगा रहे मेरा बैग ले लेना, बैग आप वहाँ लगाओ, बना रखा। गाड़ी मत निकाल लेना, कोई सही बताओ, मैं गाड़ी का ही तेल लगावे, हिसाब करवाओ, अपना बात खत्म करो, हमें कोई मतलब नहीं भाई, सब राजी आ जाओ अपने घर, भूखो कोई ना मरो, भगवान का कर दो जैसे वो बोली है ना, मेरे को देखेंगे कह रहे भाई, तू ऐसा जाते चाहिए हुआ तो यूनियन अध्यक्ष तोमर जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हम इस टाइम पे क्या नाम तेखन डिपो में खड़े हैं दिल्ली में। तो आप देखिए तोमर जी से बात करते हैं, क्या कहना चाहते तोमर जी की ये जो हड़ताल हुई है, ये ड्राइवर को पैसे कट रहे हैं, उस बारे में आप क्या करना है? हड़ताल नहीं है ये, इसको हड़ताल नहीं, हड़ताल तो ऑलरेडी इंटीमेशन दे करके की जाती है। मैनेजमेंट ने गलत तरीके से हमारे वर्करों की सैलरी से पैसा काट लिया, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अगर कोई वर्कर मांग करता है तो उसका या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या उसको गलत रूट पर भेज दिया जाता है, या उसके पीछे और दूसरे स्रोत लगा कर उसको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो ये तो इसलिए लोग खड़े हैं कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं है, इसको हड़ताल का रूप नहीं है। हड़ताल के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद में हड़ताल होती है। ये हड़ताल नहीं है, जो पैसा इन्होंने काटा है हमारा रिफंड कर दो तुरंत, और जो आगे हमारा जो कटौती है इन्होंने गलत तरीके से की, आगे उस कटौती को बंद कर दो। जैसे ये बसें खड़ी हैं यहाँ पर, सुबह से एक भी बस नहीं निकली है यहाँ से, तो ये हड़ताल ही हुई इस तरह से कि गाड़ियाँ ही नहीं निकल रही हैं, ड्राइवर अपनी मांग रख रहे हैं जब रोड पे नहीं जा रहे, जिस तरह से ड्राइवरों की मांग यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है, तो उस तरह से आप जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जिस तरह से करेंगे, तो आपका क्या वो है? ये तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गाड़ियाँ उनकी खड़ी हुई हैं, नुकसान उनको हो रहा है, ठीक है हमारे वर्करों को भी नुकसान हो रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो आकर के वार्ता करो, वार्ता करके इस मैटर को डिसॉल्व करो, गाड़ियाँ निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लोग तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस बुला करके बल्कि बागी बाहर भेजा जा रहा है जो लोग बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम बाहर की कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है कि लॉकडाउन के दौरान इस तरीके से अंदर, हम भी नहीं चाहते वर्कर हमारे जाएं, हमारे वर्कर बाहर लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए बाहर रहेंगे, और कोई भी आदमी जब तक हमारा जो अनर्गल तरीके से डिडक्शन किया गया है वो रिफंड नहीं होता, और हमारी जो कानूनी और बुनियादी सुविधाएं हैं और जो हमारे हक हैं वो लागू नहीं होते, तब तक ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। सर ये तो अभी तक तो उन्होंने कोई लिखित में मौखिक तौर पर नहीं दिया है, ये अगर 5 दिन चलेगा तो 5 दिन तक ऐसे खड़ी रहेगी? अरे जी, अगर 15 दिन तक चलेगा तो भी ऐसे चलेगा, जब तक ये पैसा रिफंड नहीं होगा तब तक कोई गाड़ी नहीं चलाएगा हमारा ड्राइवर, और जो चलाना चाहता है वो चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। नहीं सर, कोई नहीं चलाएगा। जैसे कि आप देखिएगा, इन्होंने बोला है कि क्या ये कोई हड़ताल नहीं है, ये अपनी मांग है, जो इनका पैसा कट रहा है वो पैसा इनका दिया जाए, और अगर ये 2 दिन चलता है या एक ही दिन में लिखित तौर पे दे देते हैं तो दिल्ली की पब्लिक को ये सेवा मिलने के लिए और ज़्यादा सहूलियत होगी। यहाँ पर मैंने जैसे पहले बोला 200 बसें यहाँ पर खड़ी हैं, 200 बसों का मतलब कितनी सवारी रोड पर इन बसों का वेट कर रही होगी, तो यहाँ पर डिपो प्रशासन की तरफ से दिल्ली की पब्लिक के लिए कोई भी टेंशन नज़र नहीं आ रही है कि पब्लिक परेशान है, उन्हें लिखित में देना है कि आपका जो पैसा कटाया हम वो वापस कर देंगे, इतने दिन में करेंगे या अगले महीने करेंगे, वो कुछ इस तरह से बोलने को तैयार नहीं, ना वो कैमरे के सामने आने को तैयार है। जैसे तोमर जी बोल रहे हैं कि क्या नाम का यहाँ पर आप जितने भी स्टाफ देख रहे हैं वो क्या नाम का कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सारे ड्राइवरों में एकता है, और यहाँ इनके यूनियन के अध्यक्ष जो तोमर जी हैं, जिनसे भी बात हुई, तोमर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी
कुछ इसी तरह की परेशानी से परेशान है तो आप कॉन्टेक्ट करिए, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं उस पे आप कॉल करिए, हम आपके साथ तत्पर हैं, हमेशा खड़े हैं। आप देख रहे हैं NCR समाचार, कमर आलम, धन्यवाद।